जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक, अहमदाबाद से अगरतला तक, बिग ब्लिस हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान। दोस्तों नमस्कार। आज 11 जुलाई सन 2022 सोमवार। आज हम चर्चा करेंगे बाजार के सितारों में आपका राशिफल, नॉन एग्रो कमोडिटीज़ में क्या संभावना है, शेयर बाजार में क्या हो सकता है, साथ साथ नॉन एग्रो कमोडिटीज़ के अंदर क्या संभावनाएं बन सकती हैं। सबसे पहले हर रोज़ की तरह बाजार के सितारे। भारतीय ज्योतिष में 12 राशियों को 4 तत्वों में डिवाइड किया गया है। पांचवा तत्व आकाश इन 4 तत्वों में ही समावेशित माना जाता है। 4 तत्व हैं अग्नि, पृथ्वी, वायु और जल। अग्नि तत्व की होती हैं 3 राशियां, 1, 5 और 9, यानी मेष, सिंह और धनु राशि। आज आपके लिए दिन संभवतः मुफीद ना रहे, परेशानियां बढ़ सकती हैं, लिए गए निर्णय एक बार पुनः जांच लें। पृथ्वी तत्व की होती हैं 3 राशियां, 2, 6, 10, यानी वृषभ, कन्या और मकर राशि। मिश्रित रूप की तरफ इशारा कर रही हैं, लिए गए निर्णय सावधानी से लें और एक बार पुनः विचार अवश्य कर लीजिएगा। 3, 7, 11 यानी मिथुन, तुला और कुंभ राशि, यह हैं वायु तत्व की राशियां। आज दिन मुफीद रह सकता है, अच्छा रह सकता है, लाभ कमाने की स्थिति में रह सकते हैं। लिए गए निर्णय, पूर्व में लिए गए निर्णय आज आपको लाभ दिला सकते हैं। 4, 8, 12 यह हैं जल तत्व की राशियां। कर्क, वृश्चिक और मीन राशि मिश्रित रूप की तरफ इशारा कर रही हैं। तो दोस्तों ये था राशियों के आधार पर आज का नफा नुकसान। अब नॉन एग्रो कमोडिटीज के अंदर क्या संभावनाएं बन सकती हैं। सबसे पहले गवार सीड, बहुचर्चित कृषि उपज गवार सीड के ऊपर कुछ रोचक आंकड़े हम आपके लिए प्रस्तुत कर रहे हैं। दोस्तों साल 2021 अप्रैल मई महीने में गवार का निर्यात के मुकाबले साल 2022 अप्रैल मई के महीने में निर्यात में बेहताशा तेजी दर्ज हुई। साल 2021 में अप्रैल मई महीने में 54,000 टन का निर्यात गवार गम का हुआ था और इससे लगभग 432 करोड़ की आमदनी मानी जा रही है और 5.80 करोड़ डॉलर की आमदनी डॉलर टर्म में थी, जबकि साल 2022 में अप्रैल मई महीने में 13,000 टन की अधिक निर्यात हुआ, यानी 67,000 टन का गवार का निर्यात, गवार गम का निर्यात हुआ एवं पिछले साल के मुकाबले 432 करोड़ के मुकाबले 862 करोड़ मूल्य का निर्यात हुआ और डॉलर टर्म के अंदर भी 5.80 करोड़ डॉलर के मुकाबले 11.20 करोड़ डॉलर की आमदनी दर्ज हुई। लेकिन उसके बावजूद भी छोटे किसान एवं छोटे एवं मझले व्यापारियों को पूर्ण लाभ नहीं मिल पाया गवार सीड की वॉलिटिलिटी के वजह से। गवार गम का फ्री ऑन बोर्ड जो भाव था वो भी तेजी से बढ़ा, वो भी लगभग डबल हुआ। तो गवार सीड की जो आमदनी है और भाव पिछले साल के मुकाबले, साल 2021 के मुकाबले साल 2022 में लगभग डबल हो गया। तो दोस्तों ये था गवार सीड और गवार गम पे एक रोचक जानकारी एवं आंकड़े। आज गवार सीड एंड गवार गम के अंदर उतार चढ़ाव रहने की संभावना बन सकती है, जबकि मसाला पैक के अंदर, जीरे के अंदर अच्छी तेजी की संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता। गौरतलब है कि अफगानिस्तान और सीरिया एवं ईरान के जीरे की फसल की बहुत अच्छी सूचना नहीं है और उसको देखते हुए भारतीय जीरे की मांग और तेजी से बढ़ने की संभावना है। गौरतलब है कि चाइना भारत से हर साल अच्छी मात्रा में जीरा खरीदता है, लेकिन इस साल जीरे की तेजी की वजह से लगभग 300 कंटेनर ही चाइना से खरीदी की गई। उम्मीद है कि बांग्लादेश एवं दूसरे कंट्री से भी, दूसरे देशों से भी जीरे की मांग बढ़ने की संभावना आने वाले 1 से 2 महीने में हो सकती है। चाइना के पास भी कोई रास्ता नहीं रहेगा, उसको भी
जीरे की खरीदारी करनी पड़ सकती है। इसको देखते हुए जीरे के अंदर तेजी की संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता। कोरिएंडर यानी धनिये में भी आज तेजी की संभावनाएं बन सकती हैं। दोस्तों, ये था कृषि उपज के ऊपर आज का विश्लेषण। अब हम चर्चा करेंगे शेयर बाजार में क्या संभावना है। शेयर बाजार के में आज कमजोरी की संभावनाएं बन सकती हैं, विशेषकर सूचना एवं प्रौद्योगिकी क्षेत्र की कंपनियों में गिरावट की संभावनाएं बन सकती हैं। ये भी एक बड़े आश्चर्य की बात है कि भारतीय रुपया लगातार 79 रुपीज से ऊपर अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहा है, जो कि अमेरिकी डॉलर के मुकाबले ऐतिहासिक लोएस्ट भाव माने जाते हैं और भारतीय रुपया एक बड़ी कमजोरी दिखा रहा है। उसके बावजूद भी सूचना एवं प्रौद्योगिकी यानी आईटी सेक्टर की प्रमुख कंपनियां टीसीएस, इंफोसिस जैसे स्टॉक गिर रहे हैं। ये एक बड़े आश्चर्य की बात है क्योंकि इन बड़ी सूचना एवं प्रौद्योगिकी क्षेत्र की कंपनियों का जो मेन रेवेन्यू है वो विदेशों से होता है और भारतीय रुपया की कमजोरी अक्सर उन्हें फ़ायदा भी पहुँचाती है। लेकिन उसके बावजूद भी भारतीय रुपया कमजोर होने के बावजूद भी सूचना एवं प्रौद्योगिकी क्षेत्र की कंपनियों में गिरावट की संभावनाएं बन सकती हैं। मेटल स्टॉक्स भी आज कमजोरी की राह पकड़ सकते हैं। विशेष ख्याल रखिए, फेरस और नॉन फेरस मेटल के अंदर गिरावट की संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता और इसमें कमजोरी की संभावनाएं बन सकती हैं। हिंदुस्तान कॉपर, हिंडालको और नालको जैसी कंपनियों को सावधानी पूर्वक नजर रखनी चाहिए, इनमें बचने की सलाह है। दोस्तों, ये सभी जानकारियां आपको फंडामेंटल एनालिसिस एवं एस्ट्रो इकोनॉमिक्स के माध्यम से प्रस्तुत की जा रही है। किसी भी प्रकार का व्यापारिक या ट्रेडिंग निर्णय लेने से पहले आप अपने जानकार से भी आप राय कर सकते हैं। ये महज आपको एजुकेशनल पर्पस से आप तक प्रसारित की जा रही है। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग। देश के हर छोटे बड़े दुकानदार स्टोर मालिक को बिग ब्लिस देता है खुशियों के वो पल जिनका हक है आपको। बिग ब्लिस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान।